आपके लिंग को 10 से 11 इंच लंबा, 3 से 4 इंच मोटा, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। अगर आपका लिंग छोटा है, पतला है, टेढ़ा है, कमज़ोर है, डालते ही आपका लिंग मुड़ जाता है, आपके लिंग में जरा सी भी ताकत नहीं बची है, ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से आपके लिंग की नसें टूट गई हैं, आपका लिंग कमज़ोर हो चुका है, आपके लिंग की नसें ढीली हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, आपका लिंग खड़ा नहीं होता, आपके लिंग की ताकत आप अपनी खो चुके हैं, तो यह अद्भुत जड़ी बूटी औषधि आपके लिंग को 10 से 11 इंच लंबा, 3 से 4 इंच मोटा, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। आपके लिंग की कमज़ोर नसों को यह मजबूत करेगा। डालते ही चिल्लाने लगेगी बीबी, इतना मजबूत और मोटा हो जाएगा आपका लिंग। वेलकम बैक फ्रेंड, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। लिंग को मोटा, लंबा, कड़क, सुडौल बनाने की सबसे फायदेमंद औषधि, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यह बिल्कुल नेचुरल आयुर्वेदिक औषधि है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अद्भुत जड़ी बूटी, इस अद्भुत औषधि के बारे में जानें। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत औषधि को। इस अद्भुत औषधि को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। यह नीलगिरी का पौधा है। आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो और पहचान लो। इसे हम कहीं कहीं सफ़ेदा और कहीं कहीं लिप्टस के नाम से भी जाना जाता है। यह लिप्टस सफ़ेदा नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह आपके आसपास ज़रूर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, यह जिन लोगों को, जिन महिलाओं का स्तन ढीला पड़ चुका है, लटक चुका है, योनि ढीली हो गई है, बड़ी हो गई है, तो यह आपकी योनि को, आपके स्तन को बिल्कुल 18 साल की लड़की की तरह टाइट एवं चुस्त कर देगा। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। यह बुढ़े का लिंग मोटा, लंबा, कड़क, सुडौल कर देता है। तो आप अच्छी तरीके से नीलगिरी की इस पत्ते को ध्यान से देख लो और पहचान लो। जिन पुरुष का लिंग छोटा है, पतला है, टेढ़ा है, कमज़ोर है, वे लोग सबसे पहले इस नीलगिरी के पत्तों को लें और इसे लगभग 100 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। बिल्कुल अच्छी तरीके से पीसकर इसकी चटनी तैयार कर लें। और आपको लेना है 200 ग्राम की मात्रा में सरसों का तेल। 200 ग्राम की मात्रा में सरसों का तेल लें और उसमें आपको उस 100 ग्राम पेस्ट को मिलाएं, अच्छी तरीके से घोलें। घोलने के बाद आप उस तेल को गर्म करें। जब वह अच्छी तरीके से तेल गर्म हो जाए, इस नीलगिरी के पत्तों का रस तेल में उतर जाए, तब आपको उसे छानकर उतार लेना है और प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा लें और उसे गर्म करके अपने लिंग पर शाम को सोते समय लगाएं। मात्र 10 दिनों तक लगा लो, आपका लिंग 11 से 12 इंच लंबा, 3 से 4 इंच मोटा, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा आपका लिंग। आपके लिंग की ढीली नसें मजबूत हो जाएंगी। डालते ही चिल्लाने लगेगी बीबी, इतना मजबूत होगा आपका लिंग। जिन महिलाओं का स्तन ढीला पड़ चुका है, योनि ढीली हो गई है, वे लोग आपको लगभग 100 ग्राम की मात्रा में इस नीलगिरी के पत्तों को पीस लें, इसकी चटनी तैयार कर लें। 200 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है सरसों का तेल और उसमें घोलकर उसे उबालें, उस तेल को गर्म करें और उसमें आपको लगभग 50 ग्राम की मात्रा में फिटकरी पाउडर करके मिला दें और उसे अच्छे तरीके से गर्म करें। जब वह अच्छे तरीके से तेल में नीलगिरी के पत्तों का रस उतर जाए, तब आपको उसे छान कर रख लेना है और प्रतिदिन अपनी योनि पर, अपने स्तन पर उस तेल का मसाज करना है और टाइट ब्रा, टाइट पैंटी का इस्तेमाल करना है। आपका स्तन, आपका योनि बहुत ही आसानी से
टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।